सीधा सीधा नहीं पढ़ी जाती भाई। लेकिन अगर आप मुझसे कहेंगे कि सर आप इतनी जल्दी सोच के बोलते हैं, कुछ सोच के नहीं बोलते हैं, रटा है ऐसा भयानक रटा हुआ है ना कि अभी हमसे कह दो मतलब तुरंत ना कहते ना, तो फिर स्पीड नहीं बनेगी, तो हम धन बोलना चालू कर देंगे। तो उसके लिए मैंने जो जीवन में किया वो आप कर लो, छोड़ो सर, वही हनुमान चालीसा का लगाओ और बना बन बना बन बना बन बना बन बना बन सुनते चले जाओ। तुमने पिछले दो दिनों में, आज को मिला के तीन दिनों में, 7 से 8 बार सुना है कि 4600 मुद्दों एक साथ एक, देखो आगे वाला याद है ना, 7-8 बार अगर अपना पॉडकास्ट सुन लोगे ना मजा आ जाएगा। 11 मिनट वायलेंट क्लासिफिकेशन का अगर तुमने पॉडकास्ट सुना होगा, मिला नहीं, मैंने ग्रुप में डाला है। अब आपने ग्रुप चेक नहीं किया वो अलग बात है। कितने लोगों को मिला था? अच्छा भाई बायोलॉजिकल का मिला था ना, हाँ, तो उसका आंसर बहुत जल्दी टिक लगा होगा, राइट। तो बेटा पोडोकास्ट बनाएंगे, पोडोकास्ट सुनिए भयानक, यहाँ तक कि जो 720 लड़का मारेगा एक रैंक को मैं पक्का बता रहा हूँ 700+ है, ठीक वेदांश, ठीक 700+ को मारेगा ही मारेगा, कोई रोक नहीं सकता वेदांश का। अरे वो आई टी वाला नहीं बता, जो आई टी छोड़ के मैं आई एस नहीं आई, तो अब आई टी वाला अगर मेडिकल को छोड़ेगा तो फिर बहुत गंदी तरीके से बोलेगा। तो वो इतना ज़्यादा फॉलो करता है मेरे को, इतना ज़्यादा, वो मुझे कम से कम 10 कॉल करता है, तब मैं ही पलटता हूँ, शिद्दत देखता हूँ ना कितनी है। तो इतना भयानक है उसका प्रेजेंस कि वो कहते हैं सर इसमें क्या लगाएं सर, समझ करना ना बदतमीजी ना सर, कॉल करते रहो और फुल आउट ऑफ फुल मार रहा है सर 720 में 720। तो वो इतना फॉलो करता है, उसने जितने अभी तक मेरे वीडियोस देखे हैं सबके उसके फोटोकास्ट बना रहा है और सबको मेरे को भेजता है और सर पेजेस बन जाता है। सर एक बार सुन लो सर, एक बार सुन लो सर, उसमें कमी बता दो सर, कमी बता दो सर। तो ये डेडिकेशन लाई अपने अंदर, और ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता दे रहा हूँ, देखो तो तुम्हारे सामने भोकाल मारने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। मैं चाहूँ तो अभी कोट पैंट पहन के भी आ सकता हूँ, हाँ महंगे से महंगा, लेकिन तो मैं तुमसे सच बता रहा हूँ कि मैं IIT एडवांस को अगर फिजिक्स पढ़ाया होगा तो मेरी फिजिक्स तो कैसी होगी, रटी फॉरवर्ड वेरीफाइड फॉर्मूला, रटा है रटा, लेकिन फॉर्मूला रटना समझते हो, मतलब पटक पटक के रटना, चाहे आप कितना समझ लो मार्क्स तब तक नहीं आएंगे जब तक आपको चीज़ें याद नहीं होंगी, सिर्फ रटी हैं तो आप बाहर हो गए एग्जाम से, पहले समझ लो उसके बाद इतना चपुआ रटो उसको कि बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक तो तुम चालू हो जाओ एक किनारे से, ये पूछेगा तो ये लगाएंगे, ये पूछेगा तो ये लगाएंगे, ये पूछेगा तो ये लगाएंगे, सर ऐसा भी हो सकता है ये पूछ के ये निकलवाए, समझ रहे हो। एक एक कॉन्सेप्ट जिस दिन आपको याद होगा ना, यू विल गेट 720 out of 720 क्योंकि पेपर आउट हो चुका है, आप वहाँ किताब लेकर बैठे हो सर, क्योंकि किताब आपके दिमाग में भरी हुई है, किताब आपके दिमाग में, सिर्फ पोडोकास्ट बनाइए केमिस्ट्री का फिजिक्स का, जिससे पढ़ रहे हो उसका नोट उठाओ और एक किनारे से पोडोकास्ट बनाइए। डोंट डिपेंड ऑन टीचर्स, पर डिपेंड मत रहो, खुद अपनी आवाज़ का पोडोकास्ट सबसे बेस्ट पोडोकास्ट होता है, भले तुम उतना अच्छा नहीं बना पाओगे जितना अच्छा मैं बनाऊंगा, मैं दे सबका दूंगा लेकिन तुम, लेकिन उतना अच्छा नहीं बना पाओगे, तुम स्टूडेंट हो, लेकिन 3-4 चैप्टरों के बाद आपका परफेक्शन आने लगेगा, 3-4 चैप्टर तक तो लड़खड़ाओगे कि कैसे बनाएं, फिजिक्स का तो और नहीं बन पा रहा है, फॉर्मूले बोल बोल के बनाओ ना, एक एक चीज नोट उठाओ फ्रॉम पेज नंबर 1 to पेज नंबर लास्ट, और अगर चैप्टर बहुत बड़ा है और 30 मिनट से ऊपर का पॉडकास्ट कभी बना मत दीजिएगा, सबसे बेहतर पॉडकास्ट होता है 25 से 30 मिनट के बीच में, आप बोर नहीं होगे, 1 घंटे का पॉडकास्ट बना रहे हो कभी नहीं सुनोगे, 1 घंटे तुम रेडियो नहीं सुन पाओगे तुम पॉडकास्ट का घंटा सुनोगे। तो बड़ा चैप्टर है तो इलेक्ट्रो पार्ट 1, इलेक्ट्रो पार्ट 2, इलेक्ट्रो पार्ट 3, इलेक्ट्रो पार्ट 4, इलेक्ट्रो पार्ट 5 ऑटोमेटिकली तुम्हारे फुल आउट ऑफ फुल आना शुरू हो जाएंगे, और फुल आउट ऑफ फुल जिसको आता है उसको सब रटा होता है भैया, समझ के रटा होता है, कैसे समझ गए, अभी मैंने सब समझा दिया, पूरा क्लास समझ चुका है, लेकिन उसके बाद मैंने क्या कहा, रट लो, सबसे इम्पोर्टेंट यही होता जब मैं तुम्हें खुद कहता हूँ अब तुम पढ़ो, तो अब आप लोग क्या करोगे, पॉडकास्ट ऑटोमेटिकली तेज हो जाओगे, भयानक तेज, भयानक समझते हो ना, मतलब क्वेश्चन आया तोड़ दोगे तुरंत क्वेश्चन,
अभी मैंने जान बूझ के आया, मैंने 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 जय हनुमान बोला, तुमने बोला ज्ञान बनता है, मैंने जय कभी नहीं लगा, तुमने कहा तुम लोग बोला नहीं समझ पाए हमारी बात, क्योंकि इसकी तुम्हें क्या है, क्या है बेटा, रटा हुआ है। अभी मैं मतलब पूछ लूंगा ना तो नहीं पता होगा। ए वो समय कहाँ से स्टार्ट होती है? नहीं नहीं थोड़ा सा बताना क्या सुबह ना कर लो अभी हम कब तबारा कष्ट वाला जो वाला करेंगे। तो अगर इसमें हम चार वर्ड बोल देंगे, अगले चार वर्ड आप बोल दोगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस है, वैसे ही आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस सिर्फ किसके थ्रू हो सकती है, पोड़ों का। और मजा आ जाए बाबू, अगर शुरू में पांच बार पोडोगास तो नोट्स खोल के कर लो, नोट सामने रखी और कान में लगा हुआ, बहुत मजा आएगा और बहुत तेज पढ़ने बच्चों को। तो अब आप लोग पोडोगास बनाएंगे, ठीक है? अब एक एक करके चलते हैं, ठीक। अब पोडोगास कुछ भी पुराना मत बनाइए, जो चैप्टर रह गए उसको हटा दो, जो टेस्ट में लगा है उसका पोडोगास चाहिए। और आज आप लोग का टास्क का जो टेस्ट में है, ठीक है, क्लास में अभी बस छोड़ने वाला हूँ 10 मिनट, जो टेस्ट में है तुरंत जाइएगा, फिजिक्स का नोट्स खोलिएगा और फटाक से पोडोकास्ट बना लीजिएगा। क्लास में बैठे हैं तो वैसे क्लास में शांत करा दूंगा, आप अपना अपना पोडोकास्ट बनाते जाओ, आगे पीछे दाएं बाएं बाथरूम में घुस जाओ, समझ गया ना हमारी बात, बोलो बेटा। और ये बात किसी को बताना नहीं, इसलिए मत बताना क्योंकि सच में बहुत कीमती टिप्स हैं, बेहद कीमती। आज से पहले आपने खुद कभी नहीं सोचा होगा कि पोडोकास्ट नाम की भी कोई चीज़ पढ़ाई में अप्लाई हो सकती है, और मैं ये अप्लाई करता हूँ क्लास 10th से। मैं इंसाइक्लोपीडिया तक की पोडोकास्ट बनाता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दिमाग में इन्फॉर्मेशन रिटेन रहे। तो अब मैं एक वर्ड बोलूँगा, आपको लेप्टो, जाइगो, पैकी, डिप्लो, डाया में आंसर देना।